नदीम साहब का दूसरा सवाल, जिस घर में शम्स बैठा हो और जब वो अपनी नज़र सातवें घर में मारेगा तो क्या इधर बैठे हुए सियारों को भी गुरूब कर देगा और वहाँ भी आगे और पीछे वाले घरों के सियारों को देखेगा। देखें, शम्स जिस घर में मौजूद है और वहाँ पर सातवीं नज़र वो डालता है बिल्कुल सामने वाले घर को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शम्स जो है सामने बैठे हुए किसी और घर में बैठे हुए यानी सातवीं नज़र पे सियारे को ग़रूब कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जो शम्स के करीब होगा, यानी आप मेरे पास हैं तो मैं आपको पकड़ सकता हूँ, आप मेरे सामने हैं मैं आपको पकड़ नहीं सकता लेकिन मैं आपको सिर्फ देख सकता हूँ, तो शम्स सिर्फ उनकी एनर्जीज़ को मैग्नेट की तरह खींच लेता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर वो सातवीं नज़र डालेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उसको ग़ुरूब कर दे, ऐसा नहीं होता।